सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शिवसेना को जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता बीजेपी को नहीं बल्कि शिवसेना को सजा देगी। जो सवाल किया उसका मैंने जवाब दिया, ये बात उन्होंने कही और कहा कि हमने शिवसेना बीजेपी गठबंधन को जोड़ने का काम किया, जब सरकार नहीं बनती तो राष्ट्रपति शासन ही लगाया जाता है। राष्ट्रपति राजवट की बात तो हमने की नहीं, हमको प्रश्न पूछा गया कि अगर सरकार समय पे स्थापन नहीं होती तो क्या होगा। अब मैं ऐसा कहूंगा कि जो लोग राष्ट्रपति शासन लगाने तक ले जाते हैं, जनता मुझे क्यों सजा देगी भाई, जनता उनको सजा देगी। क्या कि अगर सरकार समय पे स्थापन नहीं होती है तो हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है उसकी जानकारी हमने दी कि अगर सरकार समय पे स्थापित होती नहीं है और सरकार दावा पेश नहीं करती है, वक्त चले जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाना ये घटना की तरतूद है, प्रोविजन है। तो जानकारी देना यानी धमकी देना है क्या? अगर कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा उसकी जानकारी अगर शिक्षक देगा तो शिक्षक विद्यार्थियों को धमकी देगा, ऐसा अर्थ निकाला जाता है क्या? मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे अग्रलेख लिखने के बजाय जो 5 वर्ष हमने युति तोड़ने का काम नहीं तो युति को जोड़ने के लिए काम किया है, 5 वर्ष में आप कोई भी हमारा संभाषण, कोई भी वक्तव्य, कोई भी भाष्य को देख लीजिए, हमने यही कोशिश की है कि जनता के हृदय में शिवसेना भाजप और मित्र पार्टियों के साथ महायुति को स्थान है, तो हम सब मिलकर जनसेवा करने के लिए सरकार की स्थापना करें। तो मुझे लगता है इसमें गलत क्या है, ये कोई धमकी नहीं है।